गाइज आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ जिस बिजनेस से आप लोग पर डे कम से कम 15 से 20 हजार रुपए की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो साल के 365 दिन चलने वाला है। भारत देश के अंदर ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर इस प्रोडक्ट की डिमांड ना होती हो। हर घर के अंदर डेली बेस पे सुबह से शाम तक यूज होता है। किसी भी होटल रेस्टोरेंट आप किसी भी चीज को ले लीजिए, हर जगह पर स्कूल कॉलेज हर जगह पर ये प्रोडक्ट यूज होने वाला है। और इससे बेटर बिजनेस आइडिया आप लोगों को कोई भी नहीं देगा। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, करना आप लोगों का काम है। इस बिजनेस को आप एक नहीं तीन तीन तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्केट में खुद से सेल करूं तो वहां पर भी आप सेल कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे मैं सेल कर पाऊं, घर बैठे कंपनीज मेरे से माल उठा ले तो वो चीज भी आप लोग इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। तो सभी आइडियाज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट का बिजनेस करके लाखों रुपए कमाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस कौन सा है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं बिजनेस की तो ये बिजनेस है अदरक का बिजनेस, जिंगर। आप सभी लोग जानते हैं कि चाय के अंदर अदरक का यूज होता है और काफी ज्यादा, जैसे कि हम सब्जियां बनाते हैं सब्जियों के अंदर भी अदरक का यूज किया जाता है। अभी जो अपना मौसम आ रहा है, ठंड का मौसम आ रहा है, आपको पता है कि अदरक की डिमांड भी बहुत ज्यादा होने वाली है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि अदरक की सबसे ज्यादा पैदावार जहां पर भी होती है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं आसाम के अंदर अदरक की पैदावार होती है, अगर बात करूं हिमाचल के अंदर अदरक की पैदावार होती है, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर अदरक की बहुत अच्छी पैदावार होती है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, वहां पर उन लोगों से कॉन्टेक्ट करना है, वो पूरा ट्रक का ट्रक वहां से उठवाना है और वहां से उठवा के आप अपने लोकल एरिया के अंदर किसी भी सब्जी मंडी के अंदर आप उस चीज को सेल कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो बिकने वाली है। अगर आपका एक बार किसी भी सब्जी मंडी में कॉन्टेक्ट हो जाता है तो आप डेली ट्रक के ट्रक वहां पर सप्लाई कर सकते हैं। आप एक सब्जी मंडी नहीं, आपने आसपास के एरिया के अंदर 8-10 सब्जी मंडियों को देखें, वहां पर जाएं, वहां पे उन लोगों से बात करें, ठीक है, आपको खुद से एक आइडिया हो जाएगा। अगर आपको मैं मिनिमम से मिनिमम अगर बताऊं कि 1 किलो पे अगर आप लोगों को 1 रुपए भी बच रहा है तो एक जो ट्रक लोड होता है वो 16-17-18 टन तक का होता है, तो आप यहाँ पर 16,000 से 18,000 रुपए सीधी सीधी कमाई आप एक दिन के अंदर कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे आप ऐसे जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां से इसी की तरह बहुत सारी चीजें उनके जहाँ पे पैदावार होती है आप उनको भी अपने एरिया के अंदर ला करके सेल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मैं आप लोगों को ये पहला आइडिया बताऊं कि आप सब्जी मंडियों के अंदर उस चीज को सेल करें तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। तो आप अपना एक कोल्ड स्टोरेज भी खोल सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर बहुत सारी चीजों को आप रीच कर सकते हैं और उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें बिकने वाली है, ये चीज कभी रुकने वाली नहीं होती है। अब मैं बात करूं दूसरा कि आप किस तरीके से आप इस चीज को अपने घर बैठे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मात्र आप 1,000-2,000 में इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो वो आइडिया भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप अपने नियर बाई लोकल एरिया से आप अदरक खरीदें और अदरक का पाउडर बनाएं, क्योंकि अगर आप अदरक का पाउडर बनाते हैं तो पाउडर आपको पता है अदरक कभी कभी अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, या फिर इसके रेट कभी बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आप इसको सुखा करके इसका पाउडर बना सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप लोगों को नहीं बनाना आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अदरक का पाउडर बना सकते हैं। अब इसके अंदर फायदा किस तरीके से होता है, देखिए दोस्तों अगर आप 1 किलो अदरक 100 रुपए की खरीद रहे हैं तो आप उसी चीज को पाउडर फॉर्म में कम से कम 600 रुपए से लेकर के 800, 1,000, 1,200 रुपए तक सेल कर सकते हैं। हालांकि मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 1 किलो अदरक के अंदर 1 किलो पाउडर नहीं बनेगा। अगर हम इसका 50% भी लेकर के चलते हैं तो भी दोस्तों आप इस अदरक के पाउडर को कम से कम 1,000 रुपए पर केजी मार्केट में सेल कर सकते हो। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं कहां पर सेल करूंगा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो चीज भी मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कहां पर आप सेल कर सकते हैं और ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर ये क्या रेट में बिक रही है। तो मैं हर एक चीज आप लोगों को गूगल करके लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाकी करना और ना करना तो सिर्फ आप लोगों के हाथ में होता है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक एडवाइस कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो सिंपली मैं google.com पे जाता हूँ, आप भी अपने google.com पे जा सकते हैं। अभी सिंपली मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जिंगर पाउडर, आप भी सर्च कर सकते हैं बायर्स BUYERS, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने काफी सारी वेबसाइट्स ओपन होकर के आ रही है। जैसे मैं फर्स्ट ही जो वेबसाइट है इसको एक बार ओपन करके देखता हूँ इसके अंदर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बायर्स बहुत सारे मिल रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे वेरीफाइड बायर्स हैं, आप इस चीज को इंडिया ही नहीं आउट ऑफ इंडिया भी सेल कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे सभी लोग वेरीफाइड है। अब आपको इनसे कांटेक्ट कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इंक्वायरी नाउ, इंक्वायरी नाउ पे आप लोगों को क्लिक करना है। और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप सारी चीजें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, आपका नाम लिख सकते हैं, अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस और अपनी कंट्री का नाम और ये कैप्चा आप लोगों को भरना है और आपकी इंक्वायरी इनके पास में चली जाएगी और ये आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। आप इनको बल्क में माल दे सकते हैं 100 केजी से लेकर 500 केजी तक। अब मैं अगर आप इंडिया में भी सेल करना चाहते हैं तो इंडिया में भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ इंडिया सेल करते हैं तो आपके इसी चीज के जो दाम होते हैं, जो चीज आपकी 1,000 रुपए में बिक रही है वो 10,000 रुपए में बाहर आउट ऑफ इंडिया बिकती है। तो देखिए यहाँ पर लुकिंग फॉर जिंगर पाउडर, यहाँ पे देख सकते हो आप, इस बंदे ने पोस्ट डाली है 20/9/2023 को, और जो कि आज जो हमारा वीडियो लाइव हो रहा है शायद 22-23 तारीख होगी आज हमारा वीडियो लाइव हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 3200 किलोग्राम इस बंदे को क्वांटिटी चाहिए, 3200 किलोग्राम इस पाउडर की। इसका जो स्टार में नंबर कंप्लीट नहीं दिखाया गया है, आप इस पे कॉन्टेक्ट बायर पे डालेंगे तो आपको इसका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर शो हो जाएगा। अब जैसे मैं कॉन्टेक्ट बायर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नीचे आप अपना जो बिजनेस का नाम है कंपनी का नाम है वो डाल सकते हैं, और नीचे आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास में ईमेल आएगा, ईमेल से आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बंदा नहीं है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो इस चीज को परचेज करना चाहते हैं। अब बेचना आपका काम है, करना आपका काम है, मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को एडवाइस करना। मैंने वो एडवाइस आप लोगों को कर दी है। अब मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि इसके जो पाउडर्स है तो उसकी प्राइस क्या है, वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। जिंगर पाउडर प्राइस, हम प्राइस पे जाते हैं। अब तो मैं जैसे ही यहाँ पर ऑनलाइन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट है, तो मोस्टली हम अमेजोन को ही ओपन करते हैं क्योंकि ये ट्रस्टफुल वेबसाइट है और बहुत पुरानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 100 ग्राम है 75 रुपए का मिल रहा है, इस हिसाब से ये पाउडर आपका 750 रुपए पर केजी हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरीके से आपका जो पाउडर है इस तरीके से पाउडर बनता है, जो कि ये आप यहाँ पे पाउडर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये अदरक आप लोगों को दिखाई दे रही है, आप इसे काट करके सूखा करके आप इसका पाउडर बना सकते हैं। पाउडर फॉर्म में ये काफी टाइम तक रहता है और खराब नहीं होता है, तो आप इस तरीके से दोस्तों इस चीज का बिजनेस कर सकते हैं, आप घर बैठे सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सेल करना चाहते हैं तो दो वेबसाइट मैंने आप लोगों को दिखाई है, आप इन वेबसाइट के ऊपर सेल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा दाम में सेल करना चाहते हैं तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट ओपन कैसे करेंगे, वो यूट्यूब पे आपको एक नहीं दुनिया भर के वीडियोज मिल जाएंगे, आप किसी भी वीडियो को देख करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में जीएसटी होना अनिवार्य होता है, तो वो चीज आप ले करके अपना खुद का अकाउंट ओपन करके अपनी पैकिंग करके अपना लेबल लगा के मार्केट में सेल कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका मैंने आपको बता दिया है, तीसरा तरीका मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि आप ट्रक का ट्रक उठा करके जो मंडियां होती है उन मंडियों के अंदर आप इस चीज को सेल कर सकते हैं। दोस्तों आप एक नहीं, इसी तरीके से धीरे धीरे जब आप मार्केट के अंदर घुसेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें समझ आएगी, और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगे जो आप लोगों को समझ आएंगे और आप उन बिजनेस को भी इसी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस जो खाने पीने की चीजें होती हैं, ये आपको पता है कि ये इंसान की जरूरत होती है। आप लोगों ने सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान, इसके बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, तो वही चीज है। तो इन चीजों को अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप कभी फ्लॉप नहीं हो सकते हैं। आप बाकी करना आपको है, किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। आप लोगों से कांटेक्ट करें, पूछताछ करें, मार्केट में जाएं, देखें, सोचें, समझें, देन उसके बाद डिसाइड करें और आप इस बिजनेस को शुरू करें। आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको कोई भी चीज हमारी समझ नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आई है, और अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा आइडिया है कि सर इसका बिजनेस हम किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, कितना बेनिफिट हो सकता है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।